We are going to discuss about the new topic, that is photosensitization, under the topic photochemistry. ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फोटोसेंसिटाइजेशन एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट आता है. सो लेट डिस्कस वॉट इज दिस फोटोसेंसिटाइजेशन इज. तो समटाइम्स कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है that does not undergo any photochemical reactions, यानी वो खुद reactant light को या radiations को absorb नहीं कर पाता और वो photochemical reactions के लिए आगे proceed नहीं करता है. तो ऐसे reactions में क्या होता है कि हमें बाहर से suitable कुछ ऐसा substance उसमें add करना पड़ता है जो खुद radiations को absorb करे और radiations absorb करने के बाद उन reactants को वो energy provide करे, क्योंकि reactant खुद लाइट को या रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था. तो वहां से हमारे को बाहर से कुछ सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है जो उसकी मदद करते हैं उस रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करने में. सो द सब्सटेंस विच इट डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट इनिशिएट्स अ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन अनादर सब्सटेंस इज कॉल्ड फोटोसेंसिटाइजर. सो जो बाहर से आउटसाइड से जो सुटेबल सब्सटेंस जो ऐड किया गया है जिसका काम है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज फोटोसेंसिटाइजर एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन. अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना बाय दिस रिएक्शन. सो हमारे पास एक पीएस है, पीएस मीन्स फोटोसेंसिटाइजर है और ये है रिएक्टेंट जो खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था और वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे नहीं जा रहा था अनटिल और अनलेस वो एक्साइट हो रहा है बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी फ्रॉम द दिस फोटोसेंसिटाइजर. तो फोटोसेंसिटाइजर का यहाँ काम है कि उसका काम है उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना. तो सबसे पहले फोटोसेंसिटाइजर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है एंड इट गेट एक्साइटेड. सो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन इट इज एक्साइटेड and after excitation it transfer the energy to that reactant. उस reactant को यह energy provide कर रहा है जो खुद photochemical reactions में नहीं जा रहा था, यानी खुद radiations को absorb नहीं कर रहा था. so ये जो energy जो इसको यहाँ से photosensitizer से मिली that is responsible for this reactant to get excited. so after absorbing the energy from the photosensitizer, it get excited and finally it is converted into the product. So this is the simple reaction, or we can say photosensitization reaction. Kya hota hai? We can understand by this reaction. So the photosensitizer absorb the light. Yahan pe usne light absorb kiya. It become excited and then transfer the energy to one of the reactant. Ye wo reactant hai jo khud लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था एंड देयर बाय एक्टिवेटेड फॉर द रिएक्शंस विदाउट इटसेल्फ अंडरगोज एनी केमिकल चेंज. खुद जो फोटोसेंसिटाइजर है वो कोई भी केमिकल चेंज या उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, वो एज इट इज वापस नॉर्मल फॉर्म में या ग्राउंड स्टेट में आ जाता है आफ्टर प्रोवाइडिंग इट्स एनर्जी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. सो लेट डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नेचर के अंदर, दैट इज फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यानी फोटोसिंथेसिस में अगर हम डिस्कस करें तो लीव्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर मॉलिक्यूल खुद लाइट को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन जो ग्रीन लीव्स हैं उसमें एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल. सो दिस क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल है दैट एक्ट एज अ फोटोसेंसिटाइजर. इस क्लोरोफिल का काम है कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना. तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस फ्रॉम द सनलाइट दिस क्लोरोफिल इट प्रोवाइड द एनर्जी टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एंड फाइनली दे विल गिव द they form the carbohydrate. So the green pigment that is chlorophyll that is present in the leaves of plant is the photosensitizer.
Whereas CO2 and H2O both do not absorb light in the visible region and do not react. The light is absorbed by the chlorophyll and is transferred to water and the carbon dioxide molecule to form the carbohydrate. So this is the simple reaction, or we can say the simple or best example in which we can understand the photosensitization reaction. Second reaction, so इसके अंदर हमारे को बाहर से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीव्स के अंदर ऑलरेडी वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल से एनर्जी इज ट्रांसफर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मॉलिक्यूल जो इनिशियली खुद एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे, एंड आफ्टर दे गेट द एनर्जी फ्रॉम दिस क्लोरोफिल दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म दिस कार्बोहाइड्रेट दैट इज द फूड ऑफ प्लांट. Next example, that is the dissociation of the hydrogen molecule. Normally, अगर hydrogen molecule को हम expose करते हैं of the radiation of wavelength, that is 2537 angstrom, it does not absorb and it does not get dissociate. Means water, hydrogen molecule है, वो light को absorb करके dissociate नहीं होता है into its atom. लेकिन अगर वहां पर देर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेपर ऑफ मर्करी, सो दीज वेपर ऑफ मर्करी दैट विल एक्ट एज अ फोटोसेंसिटाइजर है. सो यहाँ पर जो मर्करी के वेपर्स हैं दे एक्ट एज अ फोटोसेंसिटाइजर, दे विल एब्सॉर्ब द लाइट, दे विल एब्सॉर्ब द रेडिएशंस, एंड आफ्टर दैट दिस वेपर्स ऑफ द मर्करी गेट एक्साइटेड बाय एब्सॉर्बिंग द लाइट. And after absorbing the light, they are providing the energy to these hydrogen molecules. So hydrogen molecule को energy अपनी transfer कर देंगे, and again they will go back to the normal ground state. So after giving the energy, these photosensitizer अगर ये अपनी energy को hydrogen molecule को provide कर देंगे, so this hydrogen molecule will go into the excited state and finally it will dissociate into its atom and go for the reaction. So yahan par hydrogen molecule itself not able to absorb the radiations, lekin agar wahan par mercury ke vapors wahan present hain reaction mein, to mercury ke vapors kya karenge, light ko absorb karenge, and then these vapors of mercury get excited. And after that, they are providing the energy to the hydrogen molecule, or the hydrogen molecule ab activate ho jayega, and finally it dissociated and go for the reaction. So this is the second example of photosensitization reaction. Now there are some condition of sensitizer, ke kuch conditions hoti hain, unko samajhte hain ki kaun kaun se jo conditions hain, wo honi chahiye for a good sensitizer. So it must get excited by the radiation used for photochemical reaction. तो सबसे important बात है कि जो हम sensitizer use कर रहे हैं, at least उसका excitation होना जरूरी है. अगर वो खुद ही excite नहीं होगा, तो वो further reactant को excite नहीं कर सकता. So it must be excited by the radiations. तो sensitizer का excite होना बहुत जरूरी है after absorbing the radiation. It must be present in sufficient concentration and should be the major light absorber. Photosensitizer ka ek sufficient concentration hona zaruri hai, aur jab hi wo proper amount ki energy ko absorb karega, and that will transfer to the reactant, and it must be able to transfer energy to the desired reactant. Jo reactant hai jisko वो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो सेंसिटाइजर हम यूज कर रहे हैं वो उसी रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करें जिसका फाइनली हमारे को प्रोडक्ट चाहिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम सेंसिटाइजर यूज कर रहे हैं वो हमारे को डिजायर्ड रिएक्टेंट को ही एनर्जी अपनी प्रोवाइड करे, सो दैट रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. And finally, the last condition, the energy of triplet state of the sensitizer must be greater than that of the reactant.
एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेंसिटाइजर की ट्रिपलेट स्टेट है वो एनर्जी लेवल में ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और ट्रिपलेट स्टेट ऑफ सेंसिटाइजर की कम होगी तो वो इतनी एनर्जी उसको, अगर एनर्जी उसके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं है तो वो रिएक्टेंट को खुद ही एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि जो सेंसिटाइजर हम यूज कर रहे हैं उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, जब ही वो एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा और रिएक्टेंट इज फाइनली गेट एक्साइटेड इन टू द सम एंड गेट डिसोसिएट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सो दीज आर द वेरियस मेजर कंडीशंस जो एक सेंसिटाइजर में, एक प्रॉपर सेंसिटाइजर के अंदर होनी चाहिए टू फॉर दिस फोटो सेंसिटाइजेशन और एनर्जी ट्रांसफर इन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट